हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 22 लेसन है, जो कि लास्ट लेसन है मिड टर्म से पहले का। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। सो इसमें थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 21 का। सो व्हाई डू मैनेजर प्लान, पर्पस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग जो है, जाहिर बात है, एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, बुनियादी फंक्शन है। और फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज वी हैव टू प्लान फॉर ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। हम जो है वो प्लान करते हैं तमाम मैनेजमेंट फंक्शन के लिए। सो प्लानिंग इन पोलका, प्लानिंग प्लानिंग के लिए है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के लिए है, प्लानिंग लीडिंग के लिए है, प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए, और प्लानिंग जो है वो एश्योरेंस के लिए है। सो पर्पजेज ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग जो है वो क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, हु विल डू व्हाट, कौन क्या करेगा। कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि यूनिफिकेशन होती है एफर्ट की। और प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी को कम करती है, यानी कि बेयकीनी को कम करती है। और प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी कम करती है। जैसे कि प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि एक शख्स ने ये जॉब करनी है, एक शख्स ने ये जॉब करनी है, तो उससे क्या होता है कि हर किसी की जो जॉब है वो स्पेसिफाई हो जाती है, तो कोई भी एक्टिविटी जो है वो बार बार नहीं होती, कोई भी रेपिटेशन नहीं होती एक्टिविटीज़ की या जॉब्स की। सो ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ के अंदर कमी आती है प्लानिंग की वजह से। बार बार एक काम को दो लोग नहीं करेंगे, एक शख्स को एक काम दे दिया गया, दूसरे को दूसरा काम दिया गया, तो जिसको जो काम दिया गया वो वही काम करेगा, तो इससे क्या होगा कि एक काम बार बार नहीं होगा। और प्लानिंग से जो है सारी बातें एस्टेब्लिश होता है गोल और स्टैंडर्ड, जिनका इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोलिंग के अंदर। सो गोल कौन सा अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग है, और डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए सारी बातें डिफरेंट प्लान्स होते हैं। सो जनरली स्पीकिंग, फॉर्मल प्लानिंग जो है वो एसोसिएट है, जुड़ी हुई है हायर प्रॉफिट्स के साथ और हायर रिटर्न ऑन एसेट्स के साथ। सो क्वालिटी जो है प्लानिंग की, प्लानिंग की क्वालिटी और इम्प्लीमेंटेशन जो है प्लानिंग की, दोनों जो है वो गारंटी देती है कि परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर होगी। एक तो प्लानिंग क्वालिटी वाली की जाए और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की जाए, तो उससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर जाएगी। और उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो जो है एक तरह का थ्रेट हो सकता है फॉर्मल प्लानिंग के लिए, खतरा हो सकता है फॉर्मल प्लानिंग के लिए। और एक रिलेशनशिप है प्लानिंग और टाइम के दरमियान, मोर यू अर्ली प्लान मोर इट इज बेटर। जितना पहले आप प्लान करते हैं वो उतना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जारी बात है प्लानिंग जो है वो एडवांस के अंदर ही की जाती है। सो प्लानिंग एडवांस में की गई है या नहीं की गई, तो सारी बात है टाइम और प्लानिंग के दरमियान भी एक रिलेशनशिप है। सो प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि डिफाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, एस्टेब्लिश किया जाता है एक ओवरऑल स्ट्रेटजी को, डेवलप किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्लान को, ताकि इंटीग्रेट किया जाए और कोऑर्डिनेट किया जाए, यूनिफाई किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को। सो प्लानिंग के अंदर जो है वो एक गोल को चूज किया जाता है कि ये गोल है, और उसके बाद स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके। सो प्लानिंग के जारी बातें फायदे हैं, परसिस्टेंसी होती है इससे। परसिस्टेंस की अगर हम मिसाल लें तो इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है कछुए की और जो खरगोश की कहानी है, उसके अंदर क्या आता है कि खरगोश जो है वो सो जाता है और कछुआ जो है वो लगातार चलता रहता है और वो ही जीत जाता है। खरगोश जो है तेज होने के बावजूद भी वो जीत नहीं पाता, तो ये परसिस्टेंस के अंदर आ जाता है। और इंटेंसिफाई एफर्ट का मतलब ये कि कितनी एफर्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, और डायरेक्शन मिलती है प्लानिंग से, और क्रिएशन ऑफ टास्क स्ट्रेटजीज, यानी कि हु विल परफॉर्म विच टास्क। और इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इसकी क्रिकेट से एग्जांपल ली जा सकती है कि बैटिंग की अगर हम बात करें तो बैटिंग में कौन पहले नंबर पर बैटिंग करेगा, कौन दूसरे नंबर पर बैटिंग करेगा। सो नाउ द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, आइडेंटिफाई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई करना कि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को, और एक्सप्लोर करना, अवॉइड करना फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स है उनको। डेवलपिंग कोर्सेस ऑफ एक्शन, यानी कि अगर ये एक्शन नहीं वर्क करा तो मैं ये एक्शन करूँगा। और अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद वेरियस ऑप्शन, यानी कि ये मदद करती है अवॉइड करने में अनसर्टेनिटीज को। सो द रोल ऑफ गोल्स एंड प्लान्स इन द प्लानिंग, गोल्स डिजायर्ड आउटकम्स। सो प्लानिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं गोल्स को एंड विच प्लान वी विल इम्प्लीमेंट फॉर गोल। अब गोल अचीव हो जाता है तो कोई ना कोई आउटकम आती है, जाहिर बात है। सो आउटकम तो आ जाती है, लेकिन जाहिर बात है कोई मेजरमेंट होनी चाहिए,
और उसके बाद है फिर प्लान्स। प्लान्स के अंदर क्या होता है कि कैसे हम जो है वो गोल्स को अचीव करेंगे। सो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एक वेल डिजाइन गोल की। गोल जो है वो रिटर्न होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आउटकम, और इसको मेजरेबल होना चाहिए, ये नापा जा सके, स्कोर क्वांटिफाइबल होना चाहिए, क्वांटिटीज के अंदर होना चाहिए, नंबर्स में, और शुड बी एज क्लियर क्लियर एज टू टाइम फ्रेम। गोल क्लियर एज टाइम फ्रेम, यानी कि जैसे कि आप अगर क्रिकेट से एग्जाम्पल लें तो वनडे मैच है तो जाहिर बात है उसको एक दिन में ही जीतना है। अब कोई टेस्ट का प्लेयर है वो बोले कि नहीं मैं तो जाहिर बात है एक दिन में नहीं जीत सकता, मैं तो स्लो खेलता हूँ। तो गोल को इस तरह क्लियर होना चाहिए टाइम फ्रेम के हिसाब से। गोल जो है वो चैलेंजिंग हो लेकिन अटेनेबल हो, आसान सा गोल नहीं हो, चैलेंजेबल हो, लेकिन जारी बात है ऐसा गोल भी ना हो जो कि इम्पॉसिबल हो, किसी से अचीव ही नहीं हो रहा है। और रिटर्न डाउन होना चाहिए और कम्युनिकेट होना चाहिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं जिनको गोल के बारे में पता होना चाहिए। सो टाइप्स ऑफ गोल्स, गोल्स की भी किस्म है, कोई एक किस्म का गोल नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जारी बात है। तो कोई भी एक सिंगल ऐसा ऐसा तरीका नहीं है जिससे इस बात का अंदाजा किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है या नहीं। सो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सेल्स तो हाई है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा। और स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं जो कि दूसरे एरियाज जो होती है परफॉर्मेंस की उससे रिलेटेड होते हैं। सो स्ट्रेटेजिक प्लान ये अप्लाई होता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एस्टेब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल्स। और ऑपरेशनल प्लान की अगर बात की जाए तो वो मेथड है जो कि एक डिपार्टमेंट या टीम इस्तेमाल करती है, और ये जो है कवर करता है शॉर्ट टाइम पीरियड। तो ये हुआ लेसन नंबर 22 जो कि लास्ट लेसन था मिड टर्म से पहले का। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कीजिए, स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।